हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स डेन। आज की हमारी रेसिपी है मुगले पराठा। मुगले पराठा एक चिकन कीमा स्टफिंग पराठा होता है, जिसे तवे पर बटर के साथ शैलो फ्राई किया जाता है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और इसे बनाने भी बहुत आसान है। सो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। कढ़ाई को हमने गर्म पर रखा है। इसमें हम डाल रहे हैं तेल 2 टेबलस्पून। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को एक बार हम स्टेयर कर लेते हैं। प्याज को हमें बस सॉफ़्ट होने तक पकाना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे इसमें। हमारी प्याज जो है सॉफ़्ट हो चुकी है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम स्टेयर कर लेंगे। अदरक लहसुन को प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनते हुए हमें पकाना है। अदरक लहसुन को प्याज के साथ अच्छे से भूनने के बाद हम डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। यहाँ मैं 4 से 5 हरी मिर्च ले रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये कीमे की स्टफिंग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। अब इसमें हम डालेंगे चिकन कीमा, जो मैं ले रही हूँ 250 ग्राम। अगर चिकन कीमा ना मिले तो आप चिकन बोनलेस चिकन को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और चिकन डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि पानी जो है जल्दी से निकले चिकन का और चिकन जो जल्दी पक जाए। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले हमने डाला है नमक और फिर हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और अब हम डाल रहे हैं बंगाली गरम मसाला पाउडर, जो कि मुगले पराठा में डाला जाता है। अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, आप चिकन मसाला या करी मसाला भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सारे मसाले डालने के बाद कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करना है और हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है ताकि जल्दी से पानी रिड्यूस हो जाए और कीमे को ड्राई रखना है। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना स्टफिंग करते टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसमें टेस्ट के लिए हम डालेंगे 1/2 नींबू का रस। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी जो है रिड्यूस हो चुका है, हमारा स्टफिंग तैयार है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इस मुगले कीमे की स्टफिंग जो है आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, 7-8 दिन भी फ्रिज में रख सकते हैं। जब मन करे आप निकालें और बना लें। अब हम तैयारी करते हैं पराठे की, जिसके लिए हम आटा गूंदेंगे। हमने यहाँ 2 कप आटा लिया है और नमक हसबे ज़ायका। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून तेल। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं। अब हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। चाहे तो आप पानी का इस्तेमाल करें या दूध का। दूध से अगर गूंदेंगे तो डो जो पराठा है ज़्यादा टेस्टी बनेगा, और मैं दूध से ही गूंदने वाली हूँ। हमने डो तैयार कर लिया है, 15 मिनट इसे रेस्ट करेंगे। 15 मिनट बाद हमारा डो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके 4 पोर्शन कर लेंगे। इतने डो और इतने स्टफिंग के साथ 4 मुगले पराठा बनेंगे। खुश्क मैदे के साथ एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे हम। पराठे के लिए हमने बड़ी साइज़ की रोटी बेल ली है। अब इस पर हम लगाएंगे दूध। आप चाहे तो अच्छी तरह से अंडे को लगा लिया है, बस स्टफिंग स्टिक हो जाएगा, बस इसीलिए हमें लगाना है दूध। स्टफिंग के भी आप 4 पोर्शन चारों ओर अच्छे से दूध लगा लें। स्टफिंग रखें पराठे के ऊपर, स्क्वायर शेप में हम रखेंगे स्टफिंग को।
और इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। और धीरे धीरे से हम साइड्स को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमने तवे को गर्म पर रखा है। मुगले पराठा को स्टफिंग डालने के बाद इसी तरह से फोल्ड किया जाता है, उसे फोल्ड करने के बाद बेला नहीं जाता। अब हमारा पराठा तैयार है, अब हम इसे तवे पर डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसकी साइड चेंज करेंगे हम। स्पैचुला की मदद से आप इस तरह से घुमाते रहें ताकि चारों ओर अच्छे से पके पराठा। अब पराठे पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। बटर डालने के बाद इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। ये हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। अभी इसी तरह से घुमाते हुए से हम फ्राई करेंगे बटर के साथ। पराठे के दोनों साइड्स अच्छी तरह से ब्राउन हो जाने चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड्स चेंज करते रहे ताकि दोनों साइड इक्वली गोल्डन ब्राउन हो। हमारा पराठा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तवे को साफ कर लें और इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी बना लेंगे। दूसरे पराठों को भी इसी तरह से बटर डाल लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम शैलो फ्राई करेंगे तवे पर। ख़ास तौर पे सर्दियों में मुगले पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सर्दियों का मौसम है और बटर वाला पराठा स्टफिंग के साथ, आप ये ज़रूर ट्राई करें। देखिए हमारे मुगले पराठे तैयार है, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लग रहे हैं। सर्दियों के लिए एक बेहतरीन पराठा है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप ये ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।